आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला मेकअप लुक, क्लीन एंड क्लियर मेकअप लुक। सो मैंने भी क्यों पीछे रहूँ, सो मैंने भी क्रिएट कर लिया ये वाला मेकअप लुक। तो चलिए देखते रहिए। यहाँ पे मैंने पहले बायोटिक का एक टोनर ले लिया जो मेरा फेस को पैम्पर करूँगी, यार पैम्पर भी रखता है। फिर मैंने यूज़ करूँगी गुड वाइब्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत बार दिखा चुकी हूँ ये वाला। बहुत अच्छे से मैंने अप्लाई कर लूँगी, देन मैंने अप्लाई करूँगी, देखते रहिए क्या अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे क्या अप्लाई कर रही हूँ अभी मैंने, या लिप जेल अप्लाई कर रही हूँ। और तेल मैंने अप्लाई करूँगी प्राइमर फेस को, मेकअप के पहले प्राइम करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैंने लैक्मे का प्राइमर ले लिया, तो ये भी एकदम अच्छा से अप्लाई कर लूँगी मेरे फेस में। देखिए बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैंने अप्लाई करूँगी, नहीं अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो कर रही हूँ वो है मैं मेरा आईब्रो को फिलअप करूँगी। सो फिलअप के पहले कॉम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम करोगे अच्छी तरह तभी आपका जो आईब्रो है अच्छे से सेट हो पाएगा। तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लोकल, बिल्कुल ही लोकल आईब्रो पेंसिल्स जो आपका कॉस्मेटिक्स की शॉप में 10-15 रुपए में मिल जाता है, उसी से मैं मेरा आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से फिलअप होता है। तो सिर्फ मैं नहीं, बहुत कोई ये वाला जो पेंसिल से यूज़ करता है। तो उसके बाद भी मैंने कॉम को यूज़ करी, क्योंकि आप आईब्रो को अप्लाई करने के बाद आईब्रो में जब क्या बोलते हैं उसको, अच्छी तरह पेंसिल से पेंसिल को करोगे ना, देन आप कोई कॉम करोगे फिर आपका एक अच्छा लुक देता है। फिर मैंने यहाँ पे आपका फाउंडेशन ले लिया, लैक्मे सीसी क्रीम है, फाउंडेशन कम सीसी क्रीम है, और बहुत अच्छा कवरेज देता है गाइस। कोई इसको अप्लाई नहीं करते हो, कोई अभी चिकचिका रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ज़्यादा देरी ना करके ये वाला क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा कवरेज देता है। देखो कितना अच्छा कवरेज दे दिया। तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ड्राइविंग मोशन में, मतलब सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कर रही हूँ। बहुत जल्दी बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरा बहुत काम पड़ा है इसीलिए मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। और यहाँ पे 9 to 5 लैक्मे कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया जो मेरा फाउंडेशन को सेट करूँगी। तो देखिए ये भी मैंने डैब 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 करके डैबिंग मोशन में सेव कर रही हूँ, मैं सेट कर रही हूँ। अगर ब्रश के साथ मैंने ऐसे ऐसे रगड़ते सेट करूँ तो मेरा पूरा फाउंडेशन निकल जाएगा, जो जो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया, और जो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको मैंने ब्रश के साथ रिमूव कर रही हूँ, जाते कि मेरा एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। ये वाला आई शैडो पैलेट जो है आ गया है फ्रॉम मीशो, और मैंने यहाँ पे जो कलर लिया है न्यूड, एकदम न्यूड कलर, वो मैंने जस्ट हल्का लाइटली मैं मेरा आई शेडो ड्रॉ करूँगी, बहुत ही लाइट करके करूँगी। देखिए क्योंकि एक क्लीन एंड क्लियर मेकअप लुक, क्लीन एंड क्लियर समझ ही सकते हो आप क्या हो सकता है। फिर मैंने थोड़ा वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लिया, तो थोड़ा सा लुक अच्छा देता है। फिर मैंने यहाँ पे ब्लास के लिए अप्लाई कर ली हूँ एक ऑरेंज ही न्यूड सेट जो बहुत ही अच्छा। फिर मैं नायका के, मतलब मस्कारा के लिए ले रही हूँ नायका का मस्कारा, और 3-4-5 कोड ऐसे अप्लाई कर लो, देन आपका आई लैसेस का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। फिर मैंने लोअर लैस पे और अपर लैस दोनों में अप्लाई कर लिया। फिर लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है स्टेक यूरी की एक न्यूड वाला सेट, बहुत ही न्यूड देखिए। फिर ये वाला सेट मुझे पसंद नहीं आया, तो दूसरा और एक मैंने थोड़ा सा लाइट मैंने उठा लिया, दोनों एक साथ मिक्स करके मैंने अप्लाई करूँगी। फिर मैंने जो कलर मुझे मिलेगा वो देख सकते हैं, ये वाला कलर। फिर काजल के लिए ले रही हूँ मैं एलिटिन का एक काजल, एलिटिन ही लैक्मे का काजल है। फिर मैंने पूरा मेकअप को जो सेट करेगा ये स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। देखिए गाइस ये मेरा मेकअप डन हो गया है।